आज जाना है बहुत दूर, तो आए इधर गाड़ी में सीएनजी भरवाने, और देखो लाइन कितनी लंबी है। यहाँ से करीब और 15 गाड़ियाँ है, तो अभी और आधा घंटा शायद इधर ही है। तब तक देखते क्या किया जाए वक्त गुजारने के लिए। थोड़ी भूख और करते हैं अभी थोड़ा पेट पूजा। तो आज हमारे व्लॉग पे एक सेलिब्रिटी है, ये देखो एमवे बंटा है, मालूम है ना। मचाने आए आज हमारे व्लॉग पे। तो अभी बस मैकडोनल्ड से आ रहे थे, पता नहीं अजीब लोग हैं। मैं वीडियो निकाल रहा था और वो बोल रहे थे कि वीडियो नहीं निकाल सकते। अरे भाई तुम्हारा ही प्रमोशन कर रहा हूँ, मतलब ज़रूरत तो नहीं है प्रमोशन की, बट क्यों अलाउड क्यों नहीं है भाई? देख रहा है मैकडोनल्ड से, बताओ क्यों अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी अंदर? ब्लॉगर जिंदगी, ये सब करना पड़ता हमको। और बंटाई नेक्स्ट गाना कब आ रहा है? क्या बोलते तुम, कमाने करते बोले चाय इशू कम। लेट मी क्लोज द विंडोज। तो अभी जा रहे हैं डीकैथलॉन वागोली, ट्रैक की शॉपिंग करनी है। मैं जा रहा हूँ एक ट्रैक के लिए हिमालयाज में, तो बस उसी की शॉपिंग करनी है। कुछ चीज़ें ऑलरेडी ऑर्डर की हुई है मैंने अमेज़ॉन से, वो चीज़ें बाद में बताता हूँ, बट अभी मिलते हैं सीधा डीकैथलॉन वागोली। तो बस आ गए डीकैथलॉन अभी, और चलते हैं अंदर करते हैं शॉपिंग। शॉपिंग एक तरफ, या तो टीटी खेलते रह गए। चलो अभी शॉपिंग करते हैं। मैं हूँ खलनायक। तो ये लिया है टी शर्ट और एक टी शर्ट, ये पोंचो बारिश से बचने के लिए, कुछ और टी शर्ट्स, एक अच्छा बीनी, शायद साइज छोटा है, नहीं ये काफ़ी है, ये कुछ गरम मोज़े, एक रेड कलर का फ्लीस है ताकि बर्फ में अच्छी तरह से फोटोज ले सके, ये हमारे एमवे बंटाई का टोपी है, पीछे ही बैठा है इधर, पीछे देखो। पीछे देखो पीछे। ये ट्रैकिंग पैंट और ये और एक ट्रैकिंग पैंट। तो अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है, बस अभी शूज़ लेने बाकी है। और हाँ ये रहे ग्लव्स, फोर क्लास के ग्लव्स है ये, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी राहत मिलेगी बर्फ में हमें। और ये हमारा खलनायक वाला मास्क, मैं हूँ खलनायक। अभी शूज़ लेते हैं, और जाते वक्त हमको लेना है एक सनग्लासेस, जो कि पोलराइज्ड है। हमारे ट्रैक लीडर ने बोला है कि एक पोलराइज सनग्लासेस लेना, और ट्रैकिंग पोल मैं दोस्त से लेने वाला हूँ, और शूज़ लेने बाकी है। तो बस ये सब लेते हैं और फिर चलते हैं डीकैथलॉन से। इडली बेचने वाला। इडली बंटा, इडली कितने का दिया? दिया
लाइसेंस लगा तो ये वाले शूज लिए हैं, इसमें अच्छी खासी ग्रिप है जैसे देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ग्रिप है और ये शूज़ वाटरप्रूफ भी है तो सही है। अभी शॉपिंग तो बहुत सारी हो गई है, पूरा बैग भर गया है, अभी देखते हैं कितना डैमेज हुआ है। 10,000 अमेजोन से मैंने ये मेमोरी कार्ड ऑर्डर किया था और ये एक रक्सैक, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये रक्सैक। तो पॉकेट नाइफ नहीं है मेरे पास, तो वह किचन से बड़ा छुरा लेके आया हो। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है वो रक्सैक जो मैंने ऑर्डर किया है, बहुत ही अच्छा है। ये जैसे कि देख रहे हो पूरा हाथ अंदर चले गया है और काफ़ी जगह है अंदर, तो सही है। अभी इसका रिव्यू क्या करें, ये रिव्यू का चैनल तो नहीं है, तो बस यही है हमारा अनबॉक्सिंग। तो ये 80 लीटर्स का बैकपैक है, वैसे पीछे काफ़ी फोम है, एक मेटल फ्रेम है और यहाँ पर शू कंपार्टमेंट है, इधर थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए जगह है और ये रेन कवर भी है इसमें, तो बहुत सही है। अभी करते हैं इस मेमोरी कार्ड की अनबॉक्सिंग। तो ये है सैंडिस्क का 64GB क्लास 10 मेमोरी कार्ड। तो ये मेमोरी कार्ड बहुत काम आने वाला है क्योंकि बहुत सारा फुटेज रोल करूंगा मैं, और मेरे पास ऑलरेडी एक 32GB है, एक 16GB है, तो 64GB आई थिंक पूरे ट्रैक के लिए काफ़ी रहेगा। एक और अनबॉक्सिंग बाकी है। ये है मेरे DSLR का बैटरी चार्जर। अब सीन क्या है बताता हूँ। ये है जो मुझे बॉक्स में मिला था और ये देख रहे हो पहाड़ों में कुछ काम का नहीं, तो इसको साइड में कर देते हैं और ये चीज़ हम खोल के बताते हैं कि इसमें क्या है। तो ये है DSLR के लिए USB बैटरी चार्जर। इसमें USB केबल लगाओ, पावर बैंक से कनेक्ट करो, तुम्हारा बैटरी चार्ज होने लग जाएगा। इसके साथ ये दो बैटरी पैक मिले, तो मेरे पास अब कुल मिला के 3 बैटरी पैक हो जाएंगे। कैनन वाला जो है वो बस सिंगल चार्ज रहेगा, जैसे ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा उसका कोई यूज़ नहीं पूरे ट्रिप में, और ये दोनों चार्ज होते रहेंगे मेरे पावर बैंक के द्वारा, तो अच्छा खासा फुटेज मैं शूट करते रहूँगा अपने ट्रैक में। ये वीडियो के लिए इतने सारे अनबॉक्सिंग काफ़ी है, बहुत ज़्यादा अनबॉक्सिंग हो गया है। इज ऑल्सो माइकल जॉर्डन भाई, डंकर ना ओहो।